अनूपपुर का उपचुनाव कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए बिसाहूलाल सिंह के कारण चर्चाओं में है। बिसाहूलाल सिंह का अब एक पुराना वीडियो फिर वायरल हुआ है, जिसमें वह हाथ में पिस्टल लेकर किसी को धमकाते नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस मसले पर बिसाहूलाल सिंह का बचाव करती नजर आ रही है। अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी बिसाहूलाल का एक और वीडियो वायरल है। यह वीडियो पुराना है। यह वीडियो 2018 के चुनाव के समय भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में बिसाहूलाल पैसे मांगने पर कार्यकर्ता को रिवॉल्वर दिखाकर गालियां देते नजर आ रहे हैं। 3 दिन पहले भी बिसाहूलाल का एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें वे कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। 2018 में वायरल हो चुके इस वीडियो को कांग्रेस के पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने ट्वीट किया है। ओमकार सिंह मरकाम ने लिखा है, भाजपा सरकार में मंत्री बिसाहूलाल सिंह अपने कार्यकर्ताओं को रिवॉल्वर लेकर धमकाते हुए, ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं यही मंगा था ना, लेके तो आऊंगा। बंदूक ना निकालिए सर, बंदूक में मैं मार लूंगा सारे होटल को बर्बाद कर दी। सारे लौंडिया बाज यहाँ करते हैं। एक काम कर गया, उस दारू को भी किया। दारू बीबी की तुमको रखा कौन वाले को सिंदूर रखा, जाओ उससे मांगो पैसा। हम नहीं रखे तुम लोग, जाइए वहां पर। बिसाहूलाल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पुराने वीडियो निकाल रही है। बिसाहूलाल ने पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में लगाया है। फेक वीडियो, झूठे वीडियो जारी करना कांग्रेस की अपनी एक स्टाइल है, और ये तब का वीडियो है 8 साल पहला, जब वो कांग्रेस में ही थे। 8 साल पुराना है। कोई अनवांछित पर्सन या नौकर का मैंने भी उसे देखा और मेरी उनसे बात भी हुई। बिसाहूलाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनका पूरा सार्वजनिक जीवन राजनीति में गया है और अभी तक एक भी पुलिस केस उन पर कभी दर्ज नहीं हुआ है किसी इस तरह के आपराधिक का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।